भी तो आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो हम भी और रोकने में फर्क की कुछ फर्क रहा है। हम भी अगर रोकने के राज्य चल गए ना 10 साल कमाई लेना 5 साल कमाई लेना तो हम भी बोले परवा की हम भी उस राज्य के लगे चाहे हम भी आधार कार्ड वोटर कार्ड बने परवा नहीं ना बने परवा। इसलिए सबके जागे के समय आ गए हो और सबके बदलाव करे के समय आ गए हो। अगर कहीं महिला सब या दादा सब भी बैठो हो दिन में शाम में तो इधर उधर की बात ना करके अपन राज्य के बात करिया ताकि आवे वाला जो दिन हो ओकर में हमले राज्य के बदलाव हो और झारखंडी के हित में जो झारखंड राज्य हो वो झारखंडी के अधिकार में बने। काहे कि हमले अपने घरे भीख मांग रहे हैं भीख और अपन अधिकार भी मांगे जहाँ तो हमले कान फोड़ो हो कपार फोड़ो हो। अभी ई गाँव में ई नहीं सोचिया कि हमले बरिया कोड़ के कहियो जोंडरा लगा ले कहियो धान लगा ले या कहियो भिंडी लगा ले तो यह तो करते हमले के दिन चल देते। हमने झारखंड राज्य में जन्म ले लिया पता नहीं ये कहीं कोयला निकल जाए अबरक निकल जाए लोहा निकल जाए तो ठीक कर दो कि कोने के जो जमीन हो कुछ झूठ बोल के कुछ सच बोल के ले ले तू और कम से कम दाम में ले तू और उस जमीनवा से ओकरे लाखों अरबों करोड़ों टका कमे तू। तो सबसे ई बोले चाहबो कि आप अगर ऐसा न हो तो तोनी जमीन ना बेचिया काहे कि जमीन बेच देला तोनी के नौकरी दे देलो चाहे पैसा दे देलो तो एक समय तक उठा खत्म हो जितो और तोर जमीन हो चल जितो। लेकिन जैसे हमली खेत सोझा में जकरा कोथी नद बटैया में करो हा तो आधा तोर आधा हमर उस तरह जमीनों के बटैया सोझा में दिया कि तोय उस जमीनवा से 8 आना कमेबी तो 4 आना तोर 4 आना हमर और अगर उस जमीन से 50 लाख कमेबी तो 25 लाख तोर और 25 लाख हमर। इटा से की होगा तोर जमीन वो ना जीतो तो हूँ खेबा तोर आए वाला जो पीढ़ी तोर बेटा हो तो ओहो टा खेतो तोर नदियों खेतो और तोर नदियों खेतो और इसी तरह जे तोर आए वाला पीढ़ी रहतो तोर जमीन भी बचल रहा तोर उल्टा से ओकर रोजगार भी ऐसे रहतो। और न तो जमीन दे देबा तो पता चल तो जमीन हो गेलो और तो चल गेला दुनिया से तकर बाद ऊ पैसो चल गेलो। इसलिए जमीन ना बेचिया और अगर जमीन बेच देला तो हमली जे हो वो थी नहीं या 2-4 दिन खुम्बा लगे थी रहल थी ओसन हाल हमली के हो जितो। और सबसे ज्यादा जमीन बेटी के बिहा में बिको है। पहले तो ऐसे भी तय हो जा कि अपन बेटिया के बिहा कर दो अगर बेटिया बिहा लाख हो गए है तो ओकरा पकड़ हुआ अपन जमीन हुआ बेच दो। तो दहेज प्रथा के कम करा काहे कि दहेज प्रथा के कारण भी हमली के जितना गांव घर के जमीन हो आस पास के जितना बहरिया लोग खरीद रहे हो काहे कि जान रहे हो गांव वाला भी जान रहे कि हमारे गांव में के सुरक्षा में हमरा इतना पैसा दिए पड़ते। अगर वो गांव वाला पैसा ना दिए पड़ते तो गांव से बाहर का आदमी ने बेचते तो गांव में बहरिया तो तोहनिया ने घुसाए रहे हा। तो दहेज प्रथा कम से धीरे धीरे करके बंद करे कोशिश करा काहे कि दहेज प्रथा के वजह से ही सबसे ज्यादा जमीन बिक रहे हो और दहेज प्रथा के वजह से ही बेटी पढ़े नहीं पा रहे हो और दहेज प्रथा के वजह से ही बेटी कोख में मारा जा रहे हो। तो सबको दहेज प्रथा भी बंद करिया और अगर 90-10 की नीति झारखंड राज्य में लागू हो है तो 90 में खाली बेटवेनों पढ़ते कि बेटियां भी पढ़ते बेटियां भी पढ़ते नहीं गो तो बेटियनों पढ़े बने। अगर कोई बोल दे तो बोल दे दहेज ना दे तो कोई बोल दे तो कर घर बिया ना कर बे तो तोरा बगल वाला घर वाला दे तू चाहे बगल गांव वाला दे तू। इसलिए जिस तरह आंदोलन खातिर सबको एकजुटता हो उसी तरह दहेज बंद करे भी सबको एकजुटता हो कि दहेज बंद हो। और देखा जैसे बाप दादा सब पियो भी हथु तो उठा कारण भी दहेज प्रथा के हम राखो कहीं अगर बेटी हो तो अगर दिमाग में टेंशन हो जाए हम कैसे बिया कर बे तो थोड़ा पीले भी चलो। और हमली राज्य में अधिकतर महुआ के गाछ हो तो अपना दारू उरू पिए में ज्यादा हमली अथी करो हा तो उठा ना पिया का कि अगर तो दारू पिए में पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो अगर दिन के 500 कमैला तो 100-200 तो तोर दरवे पीएम चल जा रहे हो 50% के चखना भर जा रहे हो। तो बतावा जब तक दिन के 250 दरवे पीए में गवाई दे रहे हा बचलो तो ठीक 250 में तो राशन घर के आनबा कि बाल बच्चा पढ़ेबा और अगर बाल बच्चा ना पढ़ते तो दिन दशा है हो तो हमली अपन झारखंड राज्य में नीति नियम ना समझे पार बे हमली बाल बच्चा पढ़ल ना रहते तो आंदोलन की खाती। और अगर तुम्हें अपन बाल बच्चा के ना पढ़े ना
करते मिस्त्री कमाते, तो जब वो मिस्त्री कमाते हो कठिन तो कुछ पैसा ना है पर बाप के कुछ राखल धन संपत्ति ना, तो वो अपन आवे वाला बच्चा पढ़े पढ़ते है ना ने। तो एक आदमी के चलती हमने के आवे वाला जो पीढ़ी है वो शिक्षित भी ना हो पाते और ओकर जो आर्थिक विकास है वो ना हो पाते। तो ये सोचिए कि हमर मैया पापा हमली ना पढ़े ले, हमली मिस्त्री कर रहे है, हमली हाजरी काम कर रहे, हमली अपन राज्य से बाहर कमाए जा रहे है, तो अपन बेटवा के शिक्षित करब जे रेलवे में नौकरी ले सके, कोई बैंक में नौकरी ले सके, कोई मास्टर बन सके। हमली अपन बाल बच्चा के ना पढ़े ला ना, हमली खुद बाप दादा सब उतना पढ़े ध्यान ना दलती, तब ने बाहर के आदमी बन के मास्टर बन रहे हो, बाहर के आदमी बैंक से निया नौकरी ले रहे हो। तो हमली में वो काबिलियत ना है, हमली झारखंड के मूलवासी में हिया तो काबिलियत है ने। तो महुआ जरूरत कम पिया और अपन बाल बच्चा के पढ़वे के ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिया, ताकि आवे वाला जो हमली झारखंड राज्य है ओकर में हर घर से नौकरी ले सके। अगर 90-10 के नीति लागू हो घरे घरे नौकरिया ना बांटते, को पढ़े होते परीक्षा दिए होते परीक्षा निकाले पड़ते तब तो नौकरी मिलते। इसलिए बेटा हो या बेटी हो सबके एक समान समझिया और सबके पढ़िया और अपन नीति नियम और हमली के जो नेग नियम जे हमली के हिया के लगो घर के नेग नियम पहनावा पर्व त्योहार के भी जे नेग नियम लगो उता बचाए के रखिया। अभी कुछ मुनि सब नाचल तू वो नाचल तू झारखंडी गाना में और साड़ी पिन्हल तू मराठी के, तो इतना शोभा दिले छोटा छोटा चीज से हमली के संस्कृति डैमेज में वो हो। तो ये छोटा छोटा चीज में भी ध्यान देना हो कि दूसर राज्य के आदमी तो हमली गनवा नाचबो ना करो है, पहनावा तो दूर की बात। तो हमली जब अपन अपन घर रहना के गाना में नाच रह लियो तो पहनावा भी तो हमली के है ने, तो वह टपिया कहे की छोटा छोटा चीज में हमली के संस्कृति हमली खुद डैमेज करो हा, हमली बाहर के बोली बोलो हा, बाहर के पहनावा बाहर के खान पान इधर से हमली के संस्कृति खत्म होने जा रहे हो। तबे ने हमली के जो राज्य के भाषा में सेटा बाहरी भाषा घुस ले हलो, तबे ने हमली आंदोलन कर ले हला कि बाहरी भाषा ना चलतो झारखंड राज्य में बाहरी भाषा ना चलतो। तो हमलिए के हाथ में हो कि अपन भाषा अपन संस्कृति अपन खान पान अपन परंपरा के बचाए के रखना हो, चाहे शादी बिया के नियम रहे, चाहे शादी बिया के गीत रहे, चाहे हमली अपन के जे पकवान रहे उटा हमली बचाए रख पाए, कि अगर हमली वो चीज में ना कर लिए तो हमली आवे वाला जो बेटी पुतो है उटा देखते ना उटा सीखते ना तो जानते नहीं ना जानते। इसलिए दादी सब जितना आई ला अरे दादी सब उधार हो तो अपनी पुतैयन के सिखैया, ताकि पुतैयन बेटियन के नतरियन के सीखे तुन, ताकि हमली के आवे वाला संस्कृति बचल रहे। जितना भी शादी के नेक नियम हो वो सब बचाए के रखिया, अपन खान पान बचाए के रखिया और ओखनी के सिखैया। हमली के नेक नियम कितना सुंदर देखे था बा बोर कन्या बैठक रो है तो ओकरा जी हमली चुमाओ ही तो चार से तो हमली ना चुमू ही कौन चीज चुमू धान से और कौन धान वो धान ना है कि जे खरियान में खखरी उड़ा दिला वो धान तो ना रो है, कौन धान जेकर अंदर चार भोरल रो है जेकर अंदर बीज रो है। तो उटा हमले बोर कन्या के चुमाए के ओखनी के ही संदेश दोये काहे कि उ धनवा में बीज भोरल रो है, तो बोर कन्या के उ बीज ओकर जे धान के अंदर बीज रो उटा से इसलिए चुमो है कि तोहनी के आवे वाला जे जीवन हो तोहनी के जे जे कन्या है उ जे माए बन पे तो उ निसंतान ना रहे ओकर कोख में संतान के प्राप्ति रहे। तो इसलिए जिस तरह धनवा में बीज भरल हो उस तरह तो कोख में भी संतान आवे तोनी के आवे वाला जो जीवन हो उटा अच्छा से गुजर करे, इसलिए हमने धान से चुमो हा। तो हमने के संस्कृति बहुत ही अच्छा है, हमने के उटा समझे के जरूरत हो और दोसर के बोली चाली दोसर के पहनावा उड़ावा दोसर के खान पान के ना अपने लिया, कहे की अगर हमली अपने लिया तो हमने के अपन पहचान खत्म हो जी। तो और पता चल तो आवे वाला कुछ टाइम में कि झारखंड राज्य बस नाम के रह गए हो काम के ना रह गए हो, तो कि बस नाम खातिर हमने के पुरखा जले बलिदान जले हथिन अलग राज्य दिलवेले अलग राज्य के मांग ओखने कील कर हथिन कि हमारा भाषा अलग है हमारा रहन
ऐसा ना कि अपन पहचान बना के रखना हो। और पढ़ल लिखल नेता सबके ही 24 में वोट दिया कि ना कोई बोल दलो, कोई साड़ी न ले आए गलो, और साड़िया तो तोरा 50 टकवा दे दो, ऐसा साड़ी दे दो तो 5 दिन भी ना पीने परवा तो ओखने के बात में ना जिया। काहे कि तोनी अपन बाल बच्चा खातिर खेत लेके रख दे रहले हा, बैंक में पैसा रख दे रहले हा, तो उल्टा कितना दिन काम देते, काम कौन सी देते ओकर राज में, ओकर खातिर नीति बनल रहते, नियम बनल रहते कि तोनी ना भी रहा तो पढ़ लिख के नौकरी ले सके, और अपन आवे वाला जे रोजगार ओकरा मिल सके, वो कमाई के और अपन घर में अपन राज्य में ही कमाई के और खाई सके, और अपन बाल बच्चा के भी अच्छा से रख सके। अभी 24 है तो बहुत जगह फूल लागल साड़ी मिल दो, फूल लागल मोफलर मिल दो, टोपी मिल दो, तो उठा के बहकावा में ना जिया। बहुत जगह हेलीकॉप्टर भी उतरे लग दो, तो मान लो हेलीकॉप्टर में आए लोग तो हेलीकॉप्टर के बैठे के लायक के बने ले, हमने ने वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, और हमने मतलब दिन के 500 टका खर्चित करी सरला। हमर घरे कोयला, हमर घरे लोहा, हमर घरे अब्रक, और भी जितना खनिज संपदा हमर राज्य में भरल है। झारखंड राज्य जो है एक लोता राज्य है जो पूरा भारत के 40% खनिज संपदा दो है, समझे पार्ला गो। जे झारखंड है ने उसको वो हुआ ना 100 में 40% खनिज संपदा पूरा भारत देश के और भारत से बाहर के भी दो है, तो सोचा हम लिख राज्य में कितना खनिज संपदा भरा ले झारखंड राज्य में, तो हमारे अग्नि जब इतना कमाई के साधन तो हमें बाहर की जीवे, और हम लिख के नेता बेईमान सब इतना कि अग्नि चाहो है कि जो झारखंडी सब हो वो अपन घरे ना कमाई खाए पारे, अपन अधिकार ना मिले पारे और पढ़े ना पारे, काहे कि अगर हिया के मूल निवासी शिक्षित हो जीते तो अपन हक अधिकार खातिर आवाज उठेबे करते। हमली के जितना भी भ्रष्टाचार हो रहे अगर खिलाफ आवाज उठाना हो एकदम जोर जोर से उठाना हो, और 24 में अगर बदलाव करके दिखाना हो, बदलाव करवा कि नहीं भुखारिया भरते रह एकदम बदलाव करना हो अपन खातिर, अपन आवे वाला पीढ़ी खातिर बदलाव करना हो, न तो हमली ताकते रहे जी बार बाहरिया खून लखपति करोड़पति अरबपति बन के फिर नियत लूट के और अपन घर चल जेतुन, और तोर खातिर खाए खातिर भी ना कुछ बचतो, रहे खातिर भी ना